नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की राजनीति। अमेरिका में दोस्तों जो राजनीति है वो किस प्रकार की है, और यानी कि दोस्तों वहाँ की राजनीतिक प्रणाली के बारे में हम बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे यहाँ क्या है जो है संसदीय प्रणाली है, ठीक है। यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है, लेकिन दोस्तों जो अमेरिका है वहाँ पर दोस्तों जो है राष्ट्रपति बनता है। फ्रेंड्स, से यदि अमेरिका के बारे में बात करें तो वहाँ पर दोस्तों 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं, और वहाँ पर दोस्तों दो सदन हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, इसी प्रकार से दोस्तों वहाँ पर भी दो सदन हैं, लेकिन उनके नाम थोड़ा वहाँ के हिसाब से अलग है। जैसे हमारे यहाँ की राज्यसभा है, वहाँ पर अमेरिका में उसको सीनेट बोलते हैं, और लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है बोलते हैं। फ्रेंड्स, वहां पे जो कुल टोटल सीट है दोस्तों 538 हैं। कुल बहुमत के लिए फ्रेंड्स वहां पे जो है 270 जो है चाहिए। फ्रेंड्स, यदि पार्टी के बारे में बात करें तो वहां पर वैसे तो काफी पार्टियां हैं, लेकिन दोस्तों दो फेमस पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन है और दोस्तों एक डेमोक्रेटिक है। जो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दोस्तों रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और जो अभी जो जो बिडेन जो हैं वो दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और फ्रेंड्स, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर जो है मेयर चुने जाते हैं, और वहाँ की जो चुनाव प्रणाली है काफ़ी डिफरेंट है भारत से। भारत में जो चुनाव होता है प्रधानमंत्री का वो इनडायरेक्ट होता है, और वहाँ पर भी जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा जिसकी वोट होंगे वो व्यक्ति जीतता है, और या वो सांसद या विधायक बनता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कुछ कुछ राज्यों में ऐसी प्रणाली है कि जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिलेंगे वही व्यक्ति पूरी सीट जीतेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि वहाँ का जो न्यूयॉर्क है उसमें लगभग लगभग दोस्तों 55 के आसपास जो है जो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो है सीट है। तो फ्रेंड्स, यदि न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को जो है 50.1% वोट में यदि मिलते हैं, और जो बिडेन की पार्टी को डेमोक्रेटिक को यदि दोस्तों वहां पे जो है 49.99% वोट मिलते हैं, मात्र 0.001% के गैप से दोस्तों पूरी की पूरी सीट 55 जो सीट है वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन जो है जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है कि जो है जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं उसी की जो है जीत होती है, और हमारे यहाँ 50% का जो है कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है जो अमेरिका की राजनीति के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी। और तो ठीक है फ्रेंड्स।